मंगलवार को निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का सम्मेलन एक होटल में संपन्न हुआ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल को निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पेश करेगी। सभाजीत सिंह ने कहा कि नगर निगम व नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को पार्टी मुद्दा बनाएगी। विकास के नाम पर व साफ सफाई के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करेगी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ नगर निगम में नवंबर के महीने में जब लोग ठंड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं, उस समय नगर निगम में जल निकासी के नाम पर लाखों रुपए डीजल के भुगतान पर खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठाएगी। दरअसल निकाय चुनाव में संभावित उम्मीदवारों का पार्टी ने मंगलवार को सम्मान किया। सभाजीत सिंह ने कहा कि आरक्षण आने के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर सभाजीत सिंह ने कहा कि भाजपा व सरकार के साथ जो रहेगा उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सरकार की भाषा बंद होते ही सुरक्षा में कटौती कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ जो नगर निगम नगर पालिका या नगर पंचायतों का जो भ्रष्टाचार है, विकास के नाम पर नाली और कलंजे के नाम पर, सफाई के नाम पर सरकारी धन का जो दुरुपयोग है, हम उसके खिलाफ भी आवाज जो बुलंद करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में परसों एक खबर हमको पढ़ने को मिली लखनऊ से कि लखनऊ नगर निगम में इस नवंबर के महीने में जब लोग ठंड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं, उस नगर निगम ने जल निकासी के नाम पर लाखों रुपए रोज डीजल पर भुगतान कर रही है। तो ऐसे जो भ्रष्टाचार हैं, हम उस मुद्दे को भी उठाने का काम करेंगे। आज आप कुछ पार्षद कुछ पद भी आपने घोषित किए? नहीं, ये सब हमारे संभावित उम्मीदवार हैं। इन लोगों ने आवेदन कर रखा है, हमने इनका सम्मान किया। इन लोगों ने विभिन्न वार्डों से आवेदन कर रखा है। अंतिम तौर पर जो उम्मीदवारी का ऐलान आरक्षण की आने के बाद इन सारे साथियों के नाम का ऐलान होगा। भाई, ये अजीब बात है कि जब आपकी सरकार के साथ रहिए, आप सरकार की भाषा बोलिए तो आपको सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। सरकार की भाषा आप बोलना आप बंद करिए तो आपकी सुरक्षा जो बढ़ा दी जाएगी।